तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक का न्यू डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के। आप दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक से न्यू डेबिट कार्ड रीइशू कर सकते हो ऑनलाइन ही। सो इसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे सो आप लोगों को अगर फर्स्ट टाइम आएंगे सो इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो आप लोग आई बटन पर वीडियो पर क्लिक करके देख पाएंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे कर लेंगे। जब आप लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब सिंपल आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है, आपको सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चले जाता है। अब आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो 6 डिजिट का एमपिन बनाए होते हैं आप लोगों को इसको पुट कर लेना है। अब दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अब आप लोगों को डेबिट कार्ड रीइशू करने के लिए टॉप लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का आइकॉन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है सर्विसेज एंड सपोर्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को सेकंड ऑप्शन सर्विसेज का दिख रहा है, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक डेबिट कार्ड, सिंपल आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी डेबिट कार्ड लिंक होंगे वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसा कि हमारे अकाउंट में 2 डेबिट कार्ड एक्टिव हैं तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट में कोई भी एक डेबिट कार्ड लिंक होगा सो यहाँ पर आप लोगों को पहले जो भी एक्टिव डेबिट कार्ड होगा उसको ब्लॉक करना होगा, तभी आप लोग न्यू डेबिट कार्ड को रीइशू कर सकते हैं, न्यू डेबिट कार्ड का ऑर्डर दे पाएंगे। सो यहाँ पर आप लोगों को जो भी एक डेबिट कार्ड आपके उसमें दिखेगा या आपके में भी 2 डेबिट कार्ड अगर दिखता है तो सिंपल आप लोगों को किसी भी एक डेबिट कार्ड पर यहाँ पर डेबिट कार्ड के सामने सर्कल दिख रहा है, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। इस पे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बॉटम साइड में देखेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आप दिखाई देते हैं तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ब्लॉक एंड रिप्लेस कार्ड, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेबिट कार्ड आपने सेलेक्ट किया है ये डेबिट कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का न्यू डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट ले ली जाएगी ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कंटिन्यू करेंगे आपका डेबिट कार्ड ये ब्लॉक हो जाएगा और न्यू डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और आप लोगों को 5 से 7 वर्किंग डे के अंदर आप लोगों को न्यू डेबिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर। सो फिलहाल हमें डेबिट कार्ड ब्लॉक नहीं करना है, न्यू डेबिट कार्ड हमें नहीं चाहिए तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर नहीं क्लिक कर रहे हैं। सो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक से न्यू डेबिट कार्ड ऑर्डर की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।